हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन। फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी एमएसटीसीटी 2021 की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो देखो यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले एमएसटीसीटी 2021 के ड्रेस कोड के बारे में। क्या क्या आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, कैसे आपको जाना है एग्जाम में, मास्क होना चाहिए या नहीं, सैनिटाइजर होना चाहिए नहीं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके साथ में होने चाहिए, सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। सिर्फ आपको वीडियो को अंत तक देखना है, बीच बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है। सारी चीजों को कवर करूंगा मैं, आपका एक भी डाउट रहने नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं होगा कि इस वीडियो से जाके दूसरे वीडियो पे जंप करना पड़े, ऐसा मैं कभी नहीं रहूंगा। और ट्राई करना है एक ही क्रिएटर को फॉलो करो, एक ही वीडियो जो बनाते हैं उनको, एक ही यूट्यूबर को फॉलो करो, ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चाहे आप मुझे नहीं फॉलो कर सकते, दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो करो, लेकिन एक ही यूट्यूबर पे बने रहो, ओके, जो आपको डेली अपडेट्स देता रहे। सो शुरू करते हैं अभी वीडियो को। वीडियो शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई मुझे पहली बार देख रहा होगा वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, उसके पीछे एक पर्पज है, ओके। एमएसटीसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक न्यूज सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलती है। दिन के 2 से 3 वीडियोस आते हैं, सारे के सारे एमएसटीसीटी के ऊपर ही होते हैं। हर एक अपडेट, कुछ भी थोड़ा सा कहीं पे हलचल हो गई एमएसटीसीटी के बारे में, तुरंत अपने वीडियो पे चैनल पे आ जाता है वो चीज। दूसरी चीज, आपकी अभी कॉलेज काउंसलिंग होगी। कॉलेज काउंसलिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्या होता है। कॉलेज काउंसलिंग मतलब आपकी कॉलेज फिलिंग होती है, आपकी जितने परसेंटाइल आए, आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज लिस्ट बनानी पड़ती है आपको, और वो सबमिट करनी पड़ती है क्या प्रॉम डिपार्टमेंट को, ठीक है। वो कॉलेज लिस्ट लेकिन मैं बना के दूंगा, हर एक बच्चे की कॉलेज लिस्ट बना के दूंगा, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, उसको जैसा कॉलेज चाहिए, उसको हाई प्लेसमेंट कॉलेज चाहिए, हाई फीस वाला चाहिए, लो फीस वाला चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलेज लिस्ट बनेगी। महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस के वीडियोस रेडी है, सिर्फ एग्जाम होने की देरी है, सब कॉलेजेस के वीडियो आएंगे, ठीक है। सो अभी आज के मुद्दे पे आते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में जाना है। पहली चीज, आपको ड्रेस कौन सा पहनना है, ठीक है। पहला दिमाग में तो यही आता है कि क्या पहन के जाऊं मैं एग्जाम में। आपको ऐसा शर्ट पैंट पहनना है ताकि उसको ज्यादा जेब ना हो, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा जेब है यार, उतनी ज्यादा चेकिंग में आपके टाइम पास होगा, इस पर्पज के लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा मतलब सिस्टमेटिक वे में आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा यार, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, लेकिन अपने देसी वे में बता रहा हूँ। ऐसा शर्ट या ऐसे पैंट जो लेडीज का जो भी कॉस्ट्यूम होगा ऐसा पहनो ताकि उसमें ज्यादा जेब ना हो, ठीक है। वरना वही टाइम ऐसी चीजें पहनो यार, वो सिंपल रहे, ज्यादा टाइम पास ना हो चेकिंग के वक्त, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, मास्क लेके जाना है कि या गवर्नमेंट ही मास्क प्रोवाइड करेगी, ऐसा भी सवाल बहुत बच्चों के दिमाग में आता है। तो नहीं यार, मास्क आपको खुद को लेके जाना है, ठीक है। ट्राई करना N95 वाला मास्क लेना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नॉर्मल मास्क भी चल जाएगा, ओके। मैं N95 वाला इसलिए बोला ताकि वहां पे ज्यादा भीड़ होगी तो आपका प्रोटेक्शन हाई लेवल का होना चाहिए, तो अच्छा वाला ही मास्क लेना इन सिंपल वर्ड्स में। दूसरी चीज होगी मास्क की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पिछले वीडियो उसके पूछ रहे थे कि सर मास्क लेके जाना है नहीं, या गवर्नमेंट मास्क प्रोवाइड करेगी, तो इसके ऊपर मैंने बता दिया कि मास्क आपको लेके जाना है। तीसरी चीज, सैनिटाइजर हाँ, गवर्नमेंट का होता है वहां पे सैनिटाइजर, जो आपका एग्जाम रूम होगा वहां पे बहुत सारे सैनिटाइजर लगे हुए होंगे, लेकिन आप आपका खुद का भी लेके जाते हो तो उसको कोई प्रावधान नहीं लगाती गवर्नमेंट, तो आपको लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि आपकी सेफ्टी का सवाल है यार वहां पे। देखो, कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अगर खत्म हो जाता तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं क्रिएट होती, अभी तक कॉलेजेस भी नहीं ओपन हुए, ओके। तो अभी तक कोविड नहीं खत्म हुआ है, वहां पे आपको कोविड होने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसीलिए बच के रहना यार। ऐसा दिमाग में कुछ मत रहना कि मेरे को कोविड हो जाएगा, ऐसा नहीं, सिर्फ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारे मेजर्स ले रही है, ठीक है, उनके प्रयास चालू है, तो वो आपको वैसा कुछ होने नहीं देगी, लेकिन आपको अपने एंड से भी ट्राई करना है। दूसरी चीज होगी मास्क, सैनिटाइजर, ड्रेस कोड, तीनों चीजें बता दी। अभी नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने, सब डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रखने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके साथ रहना है, एडमिट कार्ड आपके साथ रहना है, आपको आधार कार्ड ओरिजिनल आपके साथ रहना चाहिए, उसकी जेरोक्स आपके साथ रखो, और बस इतना आपके साथ रखना है आपको, ओके। पेन और वाटर बॉटल, ठीक है, कुछ सेंटर्स अलाउड करती है इसको अंदर, कुछ सेंटर्स नहीं करती, लेकिन अपने को लेके जाना है पेन और वाटर बॉटल। अगर उन्होंने बोला कि बाहर रख दो तो बाहर रख देंगे, ओके, कोई बात नहीं, 2 रुपए का पेन में कुछ नहीं होता, ठीक है। ट्राई करना ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाओ, ओके, उसमें से कोई भी आपको अलाउ कर देंगे, वैसे भी OMR नहीं है, जब OMR होता था तब तो ब्लैक अलाउ कर देते, ब्लैक और ब्लू, तो अभी OMR के जो सिस्टम है उस वैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको पेन और पेपर प्रोवाइड करती है। जेई मेंस के टाइम तो किया था यार, हर एक सेंटर पे हुआ है, इस बार भी MSTCET का, इस बार का नहीं पता, लेकिन पिछली बार आपको पेन अलॉट किया था, ठीक है। तो लेके जाओ, एक पेन लेके जाओ और एक वाटर बॉटल आपको लेके जानी है साथ में, ठीक है। अगर अलॉट कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं कर दिया तो कोई बात नहीं, बाहर रख देंगे, है कि नहीं। ये सब चीजें हो गई, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, अभी क्या बचा,
जब आप एंट्री करोगे आपकी चेकिंग होगी, मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज बोली थी, आपकी चेकिंग होगी। चेकिंग करने के बाद आपको अंदर बिठाया जाएगा। अंदर बिठाने के बाद आपके सामने एक ऐसा पोर्टल क्रिएट हुआ हुआ दिखेगा आपको लैपटॉप सॉरी कंप्यूटर में। उसमें आपको आईडी और पासवर्ड मांगेगा। आईडी शायद आपका एप्लीकेशन नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वेरी करता है वो। और पासवर्ड आपकी माँ का नाम हो सकता है, आपका जन्मदिन हो सकता है, ठीक है, इसमें से ही दो एक दो ऑप्शन पे ही होता है वो, हर बार चेंज करता है, ठीक है, ऐसा कोई गारंटेड नहीं बोल सकता यही होगा वही होगा, चेंज होता रहता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपके सामने एक पोर्टल क्रिएट होगा, आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद आप एग्जाम देने बैठ जाओगे। ग्रुप्स में एग्जाम होगी, पीसी की होगी, फिर मैथ्स की होगी, ओके, या मैथ्स पे आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो, फिर पीसी की होगी, ओके। इस प्रकार आपकी एग्जाम होगी। ट्राई करना, सबके सब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। एमएसटी सीईटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसलिए आपको सबके सब पेपर सबका सबके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। यही सारी चीजें थी। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ आप सब लोग, ठीक है, ताकि मैं अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहूं। और जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाई, जिनके एग्जाम 3-4 दिन आगे है, वो मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करो यार। जैसे ही कल का एग्जाम होता है तुरंत अपना पेपर सोल्यूशन आ जाएगा उसके ऊपर। वो बच्चे घर पे नहीं आते, तुरंत अपना वीडियो आ जाएगा, आपको पेपर पता चल जाएगा कैसा था, कौन सा डिफिकल्ट था, मैथ्स डिफिकल्ट आया, किस पे ज्यादा फोकस था, ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा फोकस था, या मेंसुरेशन अपना डिफरेंशियल कैलकुलस पे ज्यादा फोकस था, या एरिया अंडर कर्व पे ज्यादा फोकस था। सब चीजों के बारे में बात होने वाली है। सिर्फ आपको चैनल पे बने रहना है जनाब, और हम जल्दी ही मिलेंगे कल पेपर खत्म होने के तुरंत बाद। और शाम को ही शायद वीडियो आएगा मेरा, और एक कुछ अपडेट्स और भी बची है, ठीक है, ड्रेस कोड वगैरह से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले वो आपको जाननी चाहिए, इसलिए उसके ऊपर शाम पे वीडियो आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम होगा तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।